हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द फेवरेट स्टॉक में। और आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस फ्यूचर ग्रुप के बीच में जो डील चल रही है और उसके बीच पे जो अमेजोन ने हस्तक्षेप किया है उसके अपडेट के बारे में। क्या नई अपडेट निकल कर आई है? हो सकता है कि आपको एक बार पहले से पता भी हो, लेकिन इसका असल मतलब बैकग्राउंड की रियलिटी आपको पता होनी बहुत जरूरी है कि इस खबर का क्या इम्पैक्ट हो सकता है तीनों पक्षों में, मतलब रिलायंस फ्यूचर ग्रुप और अमेजॉन। सबसे पहले हम देखेंगे खबर क्या है और उसका असल मतलब जानने की कोशिश भी करेंगे। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरह की अच्छी अच्छी खबरें मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं खबर की तरफ और समझते हैं कि असल खबर है क्या। देखिये दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो अमेजोन के जो मालिक हैं उनसे एक फरियाद, आप कह सकते हैं एक ये कहने की कोशिश कर रहे हैं उनसे कि जो डील है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में उसे आप ब्लॉक ना करें, क्योंकि उसके वजह से जो है बहुत से लोगों का घर चलता है, बहुत से लोगों के पैसे पेंडिंग है, बहुत से लोगों का दोस्तों बहुत बड़े बड़े नुकसान हो सकते हैं। डिटेल में दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको इसको बताता हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एट अ टाइम वेन टू ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन, एक तो मुकेश अंबानी हो गए रिलायंस के और दूसरा जेफ बेजोस हो गए अमेजोन के। अभी इन दोनों के बीच में सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम हो रही है वो किसे हो रही है? फ्यूचर ग्रुप को, राइट। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ, जो कि साबुन बनाते हैं, शैम्पू है, अपना हेयर ऑयल, ये सब जो बनाते हैं उनके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उन्होंने, जो अमेजोन इंडिया के हेड हैं अमित अग्रवाल, उनको एक लेटर लिखा है, ईमेल लिखा है और वहां पर उनको ये जो डील है रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के बीच में उसे ना रोकने के लिए आप बोल सकते हैं ईमेल किया गया है। क्यों ऐसा क्यों कहा गया है? देखिए साफ साफ यहाँ पर ये जो संस्था है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स फेडरेशन, जिसे हम AICPDF भी कहते हैं, उनके द्वारा दोस्तों ये एक आप कह सकते हैं कि कदम उठाया गया है। और दोस्तों उन्होंने ये कहा है कि मार्च 2020 से जितने भी स्मॉल वेंडर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उन सभी का पैसा बाकी तकरीबन आप बोल सकते हैं ये 6,000 करोड़ रुपए पेंडिंग था। और एक उम्मीद थी कि जैसे ही रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की डील होगी तो ये सारे पैसे जो है उनको मिल जाएंगे। इस डील के बीच में अमेजोन ने अपना हस्तक्षेप किया और उसकी वजह से ये सारी की सारी पेमेंट जो है वो रुक गई। अभी काफी टाइम हो चुका है, आप भी कह सकते हैं कि एक साल लगभग हो चुका है, मार्च 2020 की ये बात थी और अभी मार्च 2021 आ चुका है। तो आप सभी समझते हैं कि एक साल का समय कम नहीं होता, इतने बड़े टाइम के अंदर इन सभी का क्या हाल हो रहा होगा। इतनी बड़ी अमाउंट है, छोटे छोटे दोस्तों वेंडर्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, उनका घर बार कैसे चलता है आप मुझे बताइए। फ्यूचर ग्रुप एक छोटी मोटी कंपनी नहीं थी, हर एक शहर हर एक सिटी में जो है बिग बाजार खुला हुआ था, हम सभी जानते हैं। और वहां पर जो सामान आते थे जो वेंडर्स के जरिए, जो डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए, उन सभी का पैसा दोस्तों यहाँ पर फंसा हुआ है। और एक ही जो एक उम्मीद थी कि जैसे ही रिलायंस से पैसा मिलेगा तो इन सभी को जो है अपना अपना पैसा मिल जाने वाला था, और साथ ही में जितने भी इम्प्लॉयज थे उनकी जॉब भी नहीं जाएगी। सब कुछ, एक जो सर्कल चलता है ना, एक जो पैसे की चेन होती है वो फिर रुकती नहीं और सभी के पेट भरते रहते, कहीं कोई भी इशू नहीं होता। लेकिन जैसे ही अमेजोन ने दोस्तों यहाँ पर हस्तक्षेप किया है तो वो चेन रुक चुकी है और हर एक इंसान यहाँ पर जो है वो परेशान हो चुका है। इसीलिए अभी ना केवल फ्यूचर ग्रुप के जो मालिक हैं, इम्प्लॉयज हैं, बल्कि जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सभी ने भी ये सोचा कि हम क्यों ना डायरेक्ट जो अमेजोन के मालिक हैं और जो इंडिया में हेड हैं अमेजोन के, उनसे दरखास्त करें कि आप इस डील को होने दें, क्योंकि अगर आप इस डील को नहीं होने देंगे तो भारी नुकसान उठाना पड़ेगा हम सभी को और कई लोगों का तो पूरा घर तबाह हो सकता है, खाने के लाले भी दोस्तों हो सकते हैं, कंप्लीट आप कह सकते हैं कि जो एक घर की इनकम है वो पूरी की पूरी इस पे डिपेंडेंट थी, और जब पैसा ही नहीं आएगा तो फिर वो घर कैसे चलेगा आप मुझे बताइए। सो उन सभी ने ये मिलकर आपस में ये दरखास्त करी है। अभी एक चीज यहाँ पर समझने वाली है और वो ये कि देखें, अमेजोन अगर अपने पैर पीछे नहीं करता है तो आप छोटी मोटी संख्या नहीं है ये डिस्ट्रीब्यूटर्स की और जो वेंडर्स हैं उनकी या फिर जो इम्प्लॉयज हैं, कितने बड़े एक समूह को नुकसान पहुंचेगा इसको समझना बहुत जरूरी है अमेजोन को, क्योंकि अमेजोन को डेफिनेटली इंडिया में अपने बिजनेस को फैलाना है। आजकल देखें
तो मैक्सिमम लोगों के हर एक इंसान जो है कहीं ना कहीं अमेजन को यूज करता है, चाहे वो अमेजन के ऐप के जरिए हो या फिर वेरियस जो एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो प्राइम वीडियोस हो अमेजोन के, या फिर चाहे कोई शॉपिंग करनी हो, या फिर अलग अलग तरीके से जितने भी तरीके हैं उनको अपने बिजनेस को अगर सच में वो चाहते हैं एक अच्छे तरीके से हर घर में फैलाना, इतना बड़ा नुकसान करके डेफिनेटली उनको भी फायदा नहीं होने वाला है, इस बात को उन्हें समझना चाहिए। देखिए यहाँ पर अमेजोन को कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा अगर ये डील हो जाती है, उनको बस ये लग रहा है कि मेरा जो कॉम्पिटिटर है रिलायंस, उनके पास में एक इतनी बड़ी चेन चली जाएगी बिग बाजार के शॉप की, और फिर वहां से हो सकता है कि ये हमें एक बड़ा कॉम्पिटिशन दें। अब रिलायंस है वो, और रिलायंस को अगर ये डील चले नहीं भी होती है तो वो भी दूसरा तरीका जरूर ढूंढ निकालेंगे, और वो टक्कर तो देने ही वाले हैं, बस थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर ये डील होती है तो कहीं ना कहीं जो फ्यूचर ग्रुप है वो बच जाएगा, उससे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, जो वेंडर्स हैं, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सबके जो घर वाले हैं, इन सभी की जिंदगियां दांव पे लगी हुई है, ये बच जाने वाली है अगर ये डील होती है तो। और साथ ही में कहीं ना कहीं फिर यहाँ पर अमेजोन का नाम भी होगा अगर वो उस डील को होने देते हैं तो अपने मर्जी से। दोस्तों कहीं ना कहीं अगर अमेजोन पीछे पैर करता है तो कहीं ना कहीं उनका फायदा भी होगा, कहीं ना कहीं जितने भी लोग हैं वो बोलेंगे कि चलो अमेजोन ने एक अच्छा काम किया, इतने सारे जो इम्प्लॉयज हैं, इतने सारे जो लोग हैं उनके बारे में सोचा है। तो एक इमोशनल फैक्टर भी दोस्तों आता है इस चीज से, अदरवाइज हम सभी जानते हैं कि अभी क्या कहानी चल रही है अमेजोन के साथ में। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो CCI ने जो है अप्रूवल दे दिया है फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील को, अगर हम बात करें सेबी की तो उसने भी अप्रूवल दे दिया है, और अभी जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने भी इस डील को मंजूरी दी है। ऑल्दो अभी सुप्रीम कोर्ट के पास में ये पेंडिंग है, और सुप्रीम कोर्ट के पास से क्या निकल कर आता है ये हमें देखना भी बाकी है, बट कहीं ना कहीं चांसेस ये निकल कर आते हैं, जितनी भी अगर आप बात को अगर एनालाइज करेंगे, ये जो डील है कहीं ना कहीं क्रैक होती हुई नजर आएगी, मतलब रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप जो है कहीं ना कहीं इस केस को जीतते हुए ही नजर आ रहे हैं। बस यहाँ पर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है टाइम का, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है, एक साल ऑलरेडी हो चुका है और कहीं ना कहीं अभी और टाइम भी लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है और उसके बाद में अमेजोन हारता है तो उसकी छवि बहुत ज्यादा बिगड़ने वाली है मार्केट में, और इस चीज को मेरे ख्याल से उनके जो एनालिस्ट है उनको भी एनालाइज करना चाहिए, और इस चीज को समझते हुए एक समझदारी भरा डिसीजन जरूर लेना चाहिए। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों अभी अमेजोन का इस लेटर के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर जो कि इनको लिखा हुआ है उसके ऊपर जवाब आना अभी बाकी है, इन्होंने लिखा हुआ है डेफिनेटली, देखते हैं अभी ये क्या जवाब देते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल भी ये कानूनी नहीं है, ये जनरल एक जस्ट एक रिक्वेस्ट है, अभी देखना ये है कि इसके ऊपर अमेजोन कैसे रिएक्ट करता है। आपका क्या दोस्तों सोचना है कि अमेजोन को क्या पीछे अपने कदम ले लेना चाहिए और इससे किसका फायदा होगा, और ये जो अभी ऑलरेडी कदम उठा रहे हैं मतलब इस डील को रोकने की कोशिश जो कर रहे हैं इससे किसका फायदा हो रहा है, केवल किसी का फायदा नहीं बल्कि देखा जाए तो बस फ्यूचर ग्रुप और उनके जितने भी उनसे जुड़े जो लोग हैं उनका नुकसान ही हो रहा है। तो आपके जो भी थॉट्स हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं अमेजोन को या फिर इनसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको, ताकि आपकी आवाज भी इन तक पहुंचे। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी थॉट्स हैं उसको लिखिए। वीडियो दोस्तों अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, पसंद ना आए दोस्तों तो बिल्कुल डिसलाइक कीजिए, लेकिन लाइक और डिसलाइक जरूर करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।